नमोजी डाड़म, आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। हम लोग जैन न्याय का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं और जैन न्याय के सबसे पहले महत्व को समझा कि जैन न्याय जानना क्यों आवश्यक है। उसके बाद हमने उसके अंगों को समझा, फिर क्रमशः धीरे धीरे हम प्रमाण की चर्चा पर आ गए। लक्षण को भी समझा था, लक्षणाभास को भी समझा था और कल हमने प्रमाण की चर्चा की थी। प्रमाण का लक्षण और जो प्रमाण के लक्षण में जो बड़ा वाला लक्षण बनाया है उसके एक एक पद को हमने समझने की कोशिश की थी कि आचार्यों ने वो पद क्यों रखे। और ये समझा था कल कि एक अलग अलग दार्शनिकों ने जो प्रमाण के भिन्न भिन्न लक्षण कर रखे हैं उनमें कमी, जो कमियां हैं उनको समझाने के लिए और उन कमियों को दूर करने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए जो जैन आचार्य हैं उन्होंने एक एक पद का प्रयोग किया है। कल प्रमाण के लक्षण में स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रमाणम, एक एक पद को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। और कल थोड़ी सी चर्चा हमने ये भी बताई थी कि सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं कुछ दार्शनिक, जैसे न्याय और वैशेषिक। और सन्निकर्ष शब्द का क्या अर्थ बतलाया था कि इंद्रिय और पदार्थ का एक संबंध हो जाता है, तभी उससे ही जो ज्ञान होता है तभी हम उसको प्रमाण माने, ऐसा नैयायिक लोग मानते हैं। माने इंद्रिय का और पदार्थ का छूना, यानी जैसे हमारी पांच इंद्रियां हैं तो आप सोचो हम कोई खट्टा मीठा है, कोई पदार्थ खट्टा है कि मीठा है ये कैसे समझेंगे। मतलब कोई पदार्थ, मान लो खाने का पदार्थ रखा है तो वो खट्टा है कि मीठा है, इस चीज का सम्यक ज्ञान कैसे हो। तो कहते हैं उसको जब तक तुम जीभ में नहीं रखोगे, माने स्पर्श इंद्रिय से जब तक उसका संयोग नहीं होगा तब तक वो पदार्थ खट्टा है कि मीठा है इस चीज का सम्यक ज्ञान नहीं, इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं। सिर्फ ये रसना इंद्रिय का ही विषय नहीं, स्पर्श इंद्रिय के मामले में भी कोई भी वस्तु ठंडी है कि गर्म है इसका अनुभव हम कैसे करेंगे, जब तक उस पदार्थ को छुएंगे नहीं। तो हम जब उस पदार्थ को छूते हैं तब पता चलता है ये गर्म है कि ठंडी। या जो स्पर्श गुण जिन जिन चीजों में पाया जाता है, स्पर्श गुण के कि ये मोटा है कि पतला है, ये हल्का है कि भारी है, ये इसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कैसे होगा। तो कहते हैं इसको जब तक आप टच नहीं करेंगे, उसको पदार्थ को पकड़ेंगे नहीं तब तक नहीं समझ पाएंगे आप, उसको सही बोध आपको नहीं हो पाएगा। और प्रत्यक्ष भी हो जाता है छू कर जानने से। तो हमारे जो जैनाचार्य थे उन्होंने कहा कि भाई आपने ये लक्षण तो बहुत अच्छी कोशिश की बनाने की कि सन्निकर्ष प्रमाण है, लेकिन हमको थोड़ी सी समस्या है कि वो जो इंद्रियां हैं ना वो अचेतन रूप होती है और अचेतन रूप जो पदार्थ है वो ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय कैसे कर सकता है। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियां सारी अचेतन है, इंद्रियां ज्ञान स्वरूप तो है नहीं स्वयं में, तो ज्ञान के प्रति साधकतम नहीं है इंद्रियां, इसलिए हम इंद्रियों के सन्निकर्ष को यानी इंद्रियों के स्पर्श करने को हम प्रमाण की कोटि में नहीं रख सकते। अब देखो आप, ये दर्शन जगत में इस तरह के विचार विमर्श चलते रहते हैं। अब प्रमाण का लक्षण ही नहीं निर्धारण हो पा रहा लोगों, फिर वो एक एक करके शब्द सुधारते हैं, उनमें जो गलत मान्यताएं उसको दूर करते हैं, फिर समझाते हैं, तब जाकर के बात समझ में आती है। एक तो
मैं सिर्फ एक ही पॉइंट लिया मैंने सन्निकर्ष का, बाकी अलग अलग कई दार्शनिक अलग अलग बातें मानते हैं। तो उनके निराकरण के लिए जैनाचार्यों ने बहुत सारे तर्क दे करके ये सिद्ध किया है कि ज्ञान ही प्रमाण का कारण बनता है, तो वो भी सम्यक ज्ञान। इसलिए हमने सम्यक ज्ञान को प्रमाण, तो ज्ञान पद भी इसीलिए रखा था अंत में, जो स्वपूर्वार्थ व्यवसायात्मकम ज्ञानम, ज्ञान शब्द लास्ट में रखा था ना, तो ज्ञान पद भी बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अज्ञान रूप वस्तुओं से कोई प्रमाणता का निश्चय नहीं होता है। उसके लिए देखो कितना बढ़िया तर्क दिया जैनाचार्यों ने कि भाई आप देखो इसमें अव्याप्ति दोष आ रहा है कि बाकी इंद्रियां तो छू के जान रही हैं, मान लो स्पर्श इंद्री भी छू के जानती है, रसना इंद्री भी छू के जानेगी, ज्ञान उसी से होगा, और कर्ण इंद्री में भी जब का शब्द जो कान में पड़ते हैं, शब्द का और कर्ण का संयोग होता है तभी बोध होता है, तभी हमको बात पता चलती। मालिक कितना भी शब्द तैर रहा हो और मेरे कान बंद हो तो मुझे नहीं बोध होगा, इंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए ना शब्द के साथ, तभी तो वो ज्ञान होता है। तो चलो चार इंद्रिय में बात घटित हो गई, लेकिन चक्षु इंद्रिय में बात घटित नहीं हो रही है। अब उनकी उनके इस लक्षण को उनको डिनाई करना था, वे आप में लक्षण ठीक नहीं है। तो चक्षु इंद्रिय यानी आंख, आंख से आप कैसे ज्ञान करते हैं किसी चीज का, आंख छूती तो है नहीं हर चीज को जाके, या आंख के अंदर कोई घुसा के थोड़ी देखते हैं कोई चीज, या आंख जा करके टच करके आ जाती हो, और अगर होता भी हो तो जैसे अग्नि है, अग्नि का ज्ञान कैसे करेगी आंख, अगर अग्नि को टच कर लेंगे तो आंख जल जाएगी, तो ऐसे तो हम ज्ञान कर नहीं पाएंगे। और कल हमने ये भी बताया था कि आंख के अंदर कोई तिनका डला हो तो आंख जब ज्ञान का साधन है तो वो आंख के अंदर तिनका है तो आंख तिनके का ज्ञान क्यों नहीं होता हमको, इसका मतलब है कि इंद्रियां ज्ञान का कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है। अब देखना आप, कारण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल कारण और एक होता है सहकारी कारण, माने बहुत सारे कारण, एक ज्ञान होने में बहुत सारी चीजों की सहायता मिलती है, तो व्यवहार से उनको भी कारण कह दिया जाता है, लेकिन मूल कारण तो ज्ञान ही होता है। अच्छा चलो एक बार आपको हम मान भी लें कि आंखों से सामने की पदार्थ को छू करके हमने ज्ञान कर, कैसे भी करके आपने उसको सिद्ध कर लिया कि किरणें जा रही हैं, उन्होंने टच कर लिया और ज्ञान हो गया, ऐसा आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। मान लो कह सकते हैं कि वो कोई किरणें होती हैं, वो छू लेती हैं और उसका प्रतिबिंब अंदर बनता है, तो टच माने सन्निकर्ष को आपने कैसे भी सिद्ध कर दिया। तो फिर आप ये बताओ, आप उसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा वर्तमान पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे जो सामने दिख रहे हैं, जो सामने दिख रहे हैं, और सारी इंद्रियों से ऐसे ही होगा। जैसे वर्तमान में ये केस मेरे हाथ में है तो मैं इसको छू करके जान रहा हूं कि ये कैसा है काला, लेकिन जो दूरवर्ती पदार्थ हैं, काल से दूर हैं, भूतकाल के पदार्थ हैं और भविष्यत काल के जो पदार्थ हैं, उनको कैसे जानेगा वो ज्ञान, वहां तो टच कर नहीं सकते आप किसी चीज को, इंद्रियां तो टच कर नहीं पाएंगी। और एक तो काल से दूर होते हैं और एक स्थान से दूर होते हैं, मेरे सामने जितनी चीज है उनका तो ज्ञान कर लूं मान लो किसी तरह मान लिया, लेकिन बहुत दूर जो पदार्थ है उसको इंद्रिय कैसे छुएगी, इसका मतलब है कि इससे बात बैठ नहीं रही। इंद्रियां ज्ञान में सहकारी कारण बनती हैं, मूल कारण नहीं बनती हैं, क्योंकि इंद्रियां स्वयं अज्ञान स्वरूप होती हैं, इसलिए हम उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूल ज्ञान का कारण तो आत्मा है और आत्मा में स्थित जो ज्ञान है वो, तो ज्ञान ही मुख्य कारण बनता है। ऐसा कहेंगे तो सन्निकर्ष में मुर्दा मुर्दे को भी कोई चीज छुएगा तो मुर्दे को भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियां तो उसकी भी दिख रही है सारी की सारी, लेकिन वो अज्ञान नहीं है, वहां चेतना नहीं है, तो ज्ञान तो वहां भी नहीं होगा। ऐसे करके बहुत सारे कारण बता करके जैनाचार्यों ने उनको मना किया कि ये ठीक नहीं है आपका लक्षण।
तो ज्ञान शब्द रखना बहुत जरूरी है प्रमाण के लक्षण में। और अन्य अन्य ज्ञान की ज्ञान स्वसंवेदी है, स्व पर प्रकाशक है। अपने यहाँ भी जैन परंपरा में भी कई बार कई लोग कहने लगते हैं कि ज्ञान सिर्फ स्वयं को जानता है, पर को नहीं जानता, ऐसा भी कहने लगते हैं। तो ये आप देखो, प्रमाण शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान स्व पर प्रकाशक होता है, ये उसका स्वभाव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ज्ञान अकेला स्वयं को जाने और पर को ना जाने, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ पर को जाने स्वयं को ना जाने। ये ज्ञान का स्वरूप है कि वो स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है। अच्छा, इसमें एक स्टेप आगे की बात और बताता हूं। ये बात अलग है कि पर को हम जिस चीज को जान रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं हो, ये हो सकता है। तमाम चीजें हम जानते हैं दुनिया में, हो सकता है हमारा उससे मतलब नहीं हो या हमारी उसमें आसक्ति ना हो, उससे हमारा कोई हेतु ना हो, लेकिन नहीं जानता है ये अर्थ नहीं है। जानता तो है, हे रूप जानेगा, उपाधि रूप नहीं जानेगा, उपेक्षा भाव से जानेगा, कुछ और हो सकता है, लेकिन जानेगा जा। जानने का निषेध नहीं कर सकते क्योंकि ये ज्ञान का स्वरूप है। अब आज मैं चाहता हूं कि ये हमने प्रमाण के लक्षण पर कुछ विमर्श कर लिया। अब चूंकि हम लोगों के पास समय भी ज्यादा नहीं है, एक दो क्लास ही और हो पाएगी, तो इस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते कि और दार्शनिक क्या मानते हैं, क्योंकि तो इसमें जाएंगे तो पूरा समय इसी में लग जाएगा। तो हमको आज हमको थोड़ा सा एक चर्चा और भी करनी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखना, जब प्रमाण की चर्चा, आप देखो कितना परख रहे हैं चीज। अब सम्यक ज्ञान प्रमाण है, अब प्रमाण को भी प्रामाण्य से परखते हैं। प्रमाण का प्रामाण्य माने जो चीज हमने जस्टिफाई कर ली उसको भी, उसका भी जस्टिफिकेशन सही है कि नहीं। अब देखो कितना उसको बारीकी से रहे। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं। मान लो कोई व्यक्ति कपड़े की दुकान पे बैठा है, कपड़ा बेच रहा है, तो उसके पास एक फुट्टा है। फुट्टा समझते हैं ना, मीटर जो भी जिससे नापता है, तो उससे वो सबके कपड़े नाप रहा है। तो फुट्टा क्या हुआ, प्रमाण हुआ। जिससे किसी को 10 मीटर कपड़ा चाहिए तो 10 बार में वो नाप देता है, उसको एक एक मीटर का फुट्टा है, वो 10 बार में नाप देता है कि 10 मीटर कपड़ा है। तो फुट्टे से कपड़ा नाप रहे हैं, लेकिन फुट्टा नापना भी जरूरी है कि फुट्टा 1 मीटर का है कि नहीं है, मतलब उसकी भी वैलिडिटी होनी चाहिए ना, स्केल भी ठीक है कि नहीं है। नहीं तो अगर स्केल को आपने प्रमाण तो मान लिया कि यह है, लेकिन उसके बाद जो कपड़ा नापा तो कपड़ा भी गलत हो जाएगा अगर स्केल ठीक नहीं है। भाई कई बार हम लोग देखते हैं ना, अपने घर में तराजू होता है या कुछ होता है, तो हम अंदाज लगाते हैं वस्तु 1 किलो की तो हुई नहीं, तो उसमें तो 1 किलो दिख रही है, तो बोले एक बार तराजू चेक कराओ, तराजू ठीक है कि नहीं है। अगर तराजू ठीक नहीं हुआ तो वस्तु भी ठीक नहीं आएगी। तो किसी का कहते तुम्हारा तराजू खराब, तराजू स्वयं प्रमाण स्वरूप है लेकिन तराजू भी खराब हो जाता है। इसलिए एक डिस्कशन और है आज जो विशेष रूप से करना है, वो है प्रमाण का प्रामाण्य। अब देखो मैं कोशिश करता हूं इसको ऐसे समझाने की, जैसे आपने किसी प्रमाण से किसी वस्तु का ज्ञान कर लिया, अब उसके बाद वो वस्तु वैसी उपलब्ध भी हो जाए तो प्रमाण का प्रामाण्य हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं आपको, इसका और विश्लेषण तो करेंगे ही आगे, इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। जैसे आप नीचे जमीन पे खड़े हैं, ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूं ना, ये शास्त्रों में बहुत आएगा, न्याय शास्त्रों में, यत्र यत्र धूमवत्त्वम् तत्र तत्र अग्निवत्त्वम् इति। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये अनुमान के लिए, यानी हेतु का ज्ञान हुआ कि जहां धुआं है वहां अग्नि है, क्योंकि व्याप्ति है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं नहीं होता है। माने यह अन्वय और व्यतिरेक घटित है,
ये दोनों चीज सिद्ध हैं कि जहां जहां माने होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, ये अन्वय व्यतिरेक कहलाता है। तभी सही व्याप्ति बैठती है, माने सही बात तभी बैठती है। यानी अग्नि के होने पर धुएं का होना, अग्नि के नहीं होने पर धुएं का नहीं होना। अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा। एक है, फिर से समझिए, धुएं के होने पर अग्नि का होना, ये तो अन्वय है। माने धुआं है तो अग्नि जरूर होगी, अग्नि यानी आग, धुआं देख रहे हैं तो अग्नि जरूर होगी, और अग्नि के नहीं होने पर धुएं का ना होना, ये व्यतिरेक कहलाता है। खैर, इस पे हम लोग बाद में आएंगे, अन्वय व्यतिरेक पे, लेकिन एक चर्चा आई इसलिए बात कह दी। लेकिन अभी आपको मैं प्रामाण्य की थोड़ी सी झलक बतलाता हूं। जैसे आप मान लीजिए कहीं रास्ते से जा रहे हैं, बगल में एक पहाड़ है, पर्वत है, और वहां ऊपर पर्वत पे धुआं निकलता हुआ दिख रहा है आपको, तो धुआं निकलेगा तो फैलेगा पूरे में, तो आप पहाड़ पे तो चढ़ नहीं पा रहे। अभी आपने वो धुआं देखा और आपको अग्नि का ज्ञान हो गया कि पहाड़ पे आग लगी, तो ये अनुमान ज्ञान हो गया। यानी आपने धुएं को देखा, आपने अग्नि को नहीं देखा है, ये परोक्ष प्रमाण में आती है ये चीज। आपने धुएं को देखा है, अग्नि को नहीं देखा है, लेकिन अग्नि का सही सही ज्ञान हो गया कि धुआं है, तो अग्नि कन्फर्म होगी वहां पे, ये आपको अनुमान प्रमाण हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये आपने पहले देखा है, आपको इस व्याप्ति का ज्ञान है। कहां देखा था? बोले रसोई घर में देखा था। रसोई में जब चूल्हा जलता था तो वहां धुआं होता था, तो धुएं धुआं होता था तो अग्नि होती थी, ऐसा हमको उदाहरण से मालूम है। सबको उसका ज्ञान है। इस व्याप्ति के ज्ञान से आपने साधन को देखकर साध्य का ज्ञान कर लिया, यानी धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान कर लिया, और वो प्रमाण है क्योंकि सही है। अब देखो, आपने अग्नि तो दिखी नहीं थी, आपको धुआं देखा था, फिर आपने कहा कि चलो चलकर देखते हैं, तो आप पहाड़ पर चढ़ और गए जाकर, फिर आपने देखा तो वहां अग्नि मिल भी गई आपको। तो अब क्या हो गया? जो आपको सही ज्ञान हुआ था, सम्यक ज्ञान अग्नि का प्रमाण, अब आपको जो अग्नि उपलब्ध हो गई वहां जाके सामने, तो आपका प्रामाण्य का निश्चय हो गया कि बिल्कुल मैंने जो जाना था वो बिल्कुल सही है। प्रमाण का प्रामाण्य हो गया यहाँ, ऐसा क्लियर हो गया उस चीज को, प्रत्यक्ष भी देख लिया। तो ये तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बताया कि किस प्रमाण का प्रामाण्य किसको कहते हैं। यानी प्रमाण का कर्म ही प्रामाण्य है, जो पदार्थ के निश्चय करने रूप होता है, यानी पदार्थ की यथार्थता, प्रमाण द्वारा ज्ञात पदार्थ की यथार्थता, प्रमाण द्वारा ज्ञात पदार्थ की यथार्थता, माने वैलिड चीज का वैलिडेशन, माने उसका उसकी वैलिडिटी चेक करना कि वे वैलिड है कि नहीं, तो इसको कहते हैं प्रमाण का प्रामाण्य। तो जब हम प्रमाण की चर्चा करते हैं तो उसके साथ साथ प्रमाण के प्रामाण्य की भी चर्चा हम लोग करते हैं। अब इसकी एक कहानी है छोटी सी, वो कहानी न्याय शास्त्रों में लिखी है समझाने के लिए कि प्रामाण्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वो कहते हैं प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति हमेशा परतः होती है। प्रमाणस्य प्रामाण्यम स्वतो परतो वा, तो कहते हैं परतो, सबसे पहले उत्पत्ति होगी परतो, यानी परतः, यानी दूसरे के आश्रय से उत्पन्न होता है। प्रमाण का प्रामाण्य दूसरे के आश्रय से उत्पन्न होता है, दूसरा उसको वेरीफाई करता है। मैंने तो प्रमाण से जान ही ली वस्तु, लेकिन और अन्य अन्य चीजों से हम उसके प्रामाण्य का पता लगाते हैं। और वो कैसे होता है? तो वो कहते हैं कि इसमें दो चीजें हैं, एक अभ्यस्त और अनभ्यस्त। माने जिन चीजों के हम अभ्यस्त हैं, यूज टू हैं,
हम प्राय देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, तो वहां तो उसकी ज्ञप्ति स्वतः हो जाती है, और अनभ्यस्त दशा में परतः होती है, माने दूसरे के माध्यम से होती है। इसलिए प्रामाण्य की जो उत्पत्ति है वो हमेशा परतः होती है, तो पहली दशा में परतः ही होती है, अनंतर उसकी जो ज्ञप्ति होती है वो स्वतः हो जाती है, वो अपने आप हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको एक शास्त्रों में ही एक उदाहरण दिया गया है, बहुत सुंदर उदाहरण है, एक कहानी जैसी बता दी जाती है कि जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, जैसे आप कहीं गए किसी जगह, किसी नगर में, उस नगर में आप पहले कभी नहीं गए थे, उस शहर में, और आपको प्यास लगी, आप किसी गांव में जा रहे थे और पहली बार गए उस गांव में, आप जब चल रहे थे रास्ते पर तो आपको प्यास लगी, तो प्यास के लिए आपने क्या किया, पानी कहाँ से लाया, पानी की इच्छा हुई कि प्यास पानी पीना है, तो आपने जलाशय की खोज की कि कहीं कोई नदी तालाब कुआं आसपास हो तो हमें पानी पी लूं। अब आपको चाहिए था अंदर से कि मुझे पानी पीना है, इस तरह की तलाश थी आपके मन में। इतने में क्या हुआ कि कहीं से कुछ ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी गर्मी के बावजूद किसी एक जगह से ठंडी ठंडी हवा आ रही, तो जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी उसका स्पर्श हुआ हमको, तो हमें ऐसा अनुमान हुआ कि हो सकता है पानी इस तरफ हो, ऐसा अनुमान हुआ। फिर इसके बाद वहां पर कोई पनिहारिन भी आ रही थी, पनिहारिन समझते हैं ना, कोई मटके को पानी मटके में भर करके सिर पे रख करके गांव में महिलाएं कुएं से पानी तालाब से पानी भर के ले जाती हैं, तो उनको भी देखा आपने, तो आप समझ गए कि इस तरफ पानी होना चाहिए। और इसी बीच वहां से कोई व्यक्ति भी मिल गया आपको, तो आपने उनसे पूछ लिया कि यहाँ कोई जलाशय कुआं आदि है, तो उसने कहा हाँ तुम थोड़ी दूर इस तरफ दाहिने तरफ चले जाओ तो तुमको वो मिल जाएगा, तो वो हम वहां गए और हमने पानी पिया और हम तृप्त हो गए। अब ये जो हमको ज्ञान हुआ, प्रमाण का प्रामाण्य हुआ, यानी हमको पहले ज्ञान हुआ कि पानी इधर होता होगा, लेकिन दूसरों को देख करके हमने निश्चय किया कि पानी यहाँ पर है, और फिर गए फिर पानी वहां पर मिल गया। तो अभी क्या थे, उस गांव में हम पहली बार गए थे, तो ये अनभ्यस्त दशा के हैं, क्योंकि हम पहले रास्ता नहीं जानते थे, हमको कुछ पता नहीं था। अब हमको यहाँ पे जलाशय है, यहाँ पर पानी उपलब्ध है, इस चीज का ज्ञान नहीं था, इसलिए हमने किसी से पूछ के जाना, किसी को देख के जाना, ऐसा करके अनुमान से जाना कि वहां पर पानी हो सकता है। लेकिन जब हम दोबारा गए वहां पर कुछ समय बाद उसी गांव में हम फिर गए, और फिर हमको वहां पर प्यास लगी, तब अब हमको कहाँ पर पानी है ये जानने के लिए किसी पर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम उसमें पहले जा चुके हैं, अब हम किसी से पूछते भी नहीं है, और कोई दिख जाए तो हमको उससे उतना मतलब भी नहीं है, हम अपने आप समझ जाते हैं कि यहाँ से शीतल हवा आ रही है, इस तरफ ही जलाशय होगा, ठंडी ठंडी हवा है तो पानी भी उधर ही होगा, ऐसा हम अनुमान लगा के वहां पहुंच जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि जो सरोवर ज्ञान का जो प्रामाण्य है, उसकी जो ज्ञप्ति हुई है वो अनभ्यस्त होने के कारण परता हुई थी, लेकिन जैसे ही हम दोबारा गए तो हमारा चूंकि पहले का अभ्यास था, इसलिए उस सरोवर के ज्ञान का जो प्रामाण्य है उसकी ज्ञप्ति अभ्यस्त होने के कारण हमको स्वतः हो गई, अपने आप हमने समझ लिया। इसलिए प्रमाण के प्रामाण्य के बारे में अलग अलग दार्शनिक अलग अलग मान्यता व्यक्त करते हैं। कोई कहता है कि प्रमाण का प्रामाण्य परता ही होता है, कोई ये कहता है कि प्रमाण का प्रामाण्य स्वतः ही होता है, लेकिन हमारे
अपने जैन आचार्य कहते हैं कि प्रमाणस्य प्रामाण्यम स्वतः परतो वा, स्वतः भी हो सकता है और परतः भी हो सकता है। क्यों? अभ्यस्त दशा में स्वतः हो जाता है और अनभ्यस्त दशा में वो परता हो जाता है। इस तरह स्वतः परता दोनों तरीके से प्रामाण्य होता है। इसमें एक जानने लायक विशेष बात यह है कि जो प्रमाण के प्रामाण्य की उत्पत्ति है वो तो परता होती है और ज्ञप्ति जो है वो स्वतः होती है। यानी उत्पत्ति हमेशा परता होती है, लेकिन जब अभ्यस्त हो जाता है तो ज्ञप्ति उसकी स्वतः हो जाती है और अनभ्यस्त दशा में परता हो सकती है। लेकिन जब उत्पत्ति होती है सबसे पहले वो कभी स्वतः नहीं होती है, वो परता ही होती है। तो मुझे लगता है ये बात थोड़ी स्पष्ट हो गई होगी। शास्त्रों में तो इसकी चर्चा बड़े विस्तार से समझाई गई है कि प्रमाण का प्रामाण्य क्या होता है, स्वतः होता है कि परता होता है, इसकी चर्चा बहुत विस्तार से समझाई है। लेकिन अभी मैंने कोशिश की आपको समझाने की शॉर्ट में। तो इतना हम समझ लें कि स्वतः और परता दोनों तरीके से प्रामाण्य हो सक प्रमाण का प्रामाण्य दोनों तरीके से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसकी कंडीशन अलग अलग हो जाती है और कंडीशन पे डिपेंड करता है कि स्वतः हो रही है कि परता हो रही है। कंडीशन क्या है? अभ्यस्त और अनभ्यस्त की है। यानी प्रैक्टिस है पहले से तो स्वतः हो जाएगी, और प्रैक्टिस नहीं है यानी हमारा अनुभव नहीं है तो एक बार हमको परता होगी, सबसे पहले उसकी परता होगी। तो आपने देखा जो जैन दर्शन है ना वो अनेकांतवादी दर्शन है, वो सिचुएशन देख करके बात करता है। वो कहता है भाई आप एक स्टेटमेंट दे देते हो एक तरफ से और उसी पे अड़े रहते हो तो उससे सत्य का बोध नहीं हो पाता है। आपको क्या करना चाहिए? हर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तो देखो आप हर जगह अनेकांतवाद दृष्टिगोचर होता है जैन दर्शन का, इसी तरफ प्रमाण के प्रामाण्य के बारे में भी उनका अनेकांतवादी दृष्टिकोण यहाँ पे आया कि स्वतः भी होता है परता भी होता है, जबकि अनेक दार्शनिक अलग अलग उसमें मान्यता रखते हैं। अब आज हमको एक चर्चा और करनी है। मैं सोच रहा हूं प्रमाण के भेद प्रभेद के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। लेकिन एक बार जब प्रमाण की चर्चा चली है तो क्यों ना हम प्रमाण की चर्चा को ही एक बार पूरा कर, फिर कल हम लोग उसके भेद प्रभेद की चर्चा करेंगे। अगर आज समय रहा तो आज भी उसकी चर्चा शुरू कर देंगे। प्रमाण प्रमाण बोल रहे हैं तो उसके जो भी चर्चा है वो पूरी हो जानी चाहिए, कुछ मने ऐसा ना हो कि आधी सी रह जाए, खत्म हो जाए। तो अब हम प्रमाण के फल की चर्चा कर ले। अभी हमने प्रमाण के प्रामाण्य की चर्चा की, अब हम आज थोड़ा सा प्रमाण का फल क्या है इसके लिए भी परीक्षा मुख सूत्र में एक अलग चैप्टर है, प्रमाण का विषय और प्रमाण का फल। तो परीक्षा मुख सूत्र की बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं आपको, आपको आज दिखा भी देते हैं। ये ग्रंथ है देखो परीक्षा मुख सूत्र, इसमें सिर्फ सूत्र सूत्र लिखे हैं और पतली सी किताब है, सूत्र और उसका अर्थ है। तो आप लोग कभी स्वाध्याय करें तो इसको कर सकते हैं। इसी तरह जो प्रारंभिक ग्रंथों के बारे में पूछ रहे थे ना, ये न्याय दीपिका है, ये भी प्रारंभिक ग्रंथ है। माने हम लोग इन दो ग्रंथों को रिकमेंड करते हैं प्रारंभिक ग्रंथों के रूप में, बाकी जो दूसरे ग्रंथ हैं वो और भी विस्तार वाले हैं। एक अपना नए चक्र आलाप पद्धति भी न्याय का ही ग्रंथ है, तो ये प्रारंभिक ग्रंथ ही कहलाता है आलाप पद्धति नए चक्र, ये भी हम न्याय शास्त्र के अंतर्गत ही लेते हैं। अब हमको ये समझना है कि प्रमाण का फल क्या है। इतनी देर से प्रमाण 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 कर रहे हैं तो उसका कुछ आउटपुट भी होना, आउटकम भी होना चाहिए, उसका फल भी निकलना चाहिए। तो जो प्रमाण के दो फल बतलाए हैं, एक साक्षात फल और एक परंपरा। ये तो आप समझते होंगे साक्षात और परंपरा किसको कहते हैं, साक्षात फल और परंपरा फल। साक्षात फल तो होता है जो इंस्टेंट तुरंत आपको लाभ दे देता है, और एक परंपरा फल होता है कि एकदम से भले ही ना हो लेकिन बाद में उसका रिजल्ट आएगा, परंपरा से उसको मानते हैं। जैसे कर्म
कई शास्त्रों में लिखा रहता है अपने आगम में, दान से क्या होता है, दान का क्या फल है। तो दान का फल मोक्ष है, ऐसा लिख देते हैं। दान का फल क्या है? मोक्ष। तो आपको क्या लगता है, कोई पूछे कि मैंने ऐसे दान दिया और मुझे मोक्ष हो जाए? अभी अक्षय तृतीया गई तो जब लोगों ने दान की महिमा गाई तो कहने लगे दान से क्या होता, बोले दान से मोक्ष होता। तो एकदम से लगेगा नहीं, दान से मोक्ष कैसे हो जाएगा, मैं ऐसे दूं दान किसी को और मोक्ष हो जाएगा, तपस्या वस्या करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, दान से भी मोक्ष होता है। दान परंपरया मोक्ष का कारण है। अब ये परंपरा से माने बहुत दूर जाके मोक्ष मिलेगा, लेकिन वो बीच की सारी चीजें स्किप करके दान से मोक्ष सीधे जोड़ करके कथन कर देते हैं। ऐसा कथन करने की भी जिनवाणी में विवक्षा होती है, सीधा सीधा। तो हम लोग प्रमाण के फल को दो प्रकार से समझते हैं, एक साक्षात फल और दूसरा परंपरा। अब साक्षात फल क्या है? तो बोले साक्षात दो इंस्टेंट लाभ है उसका, वो है अज्ञान निवृत्ति। यानी प्रमाण में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और सब में ज्ञान हो जाता है। ये तुरंत का लाभ है इसका, साक्षात फल। यानी अभी जैसे ही हमको प्रमाण के माध्यम से हम यूज करते हैं प्रमाण को, तो सबसे पहले हमको पदार्थ का सम्यक ज्ञान हो जाता है। यानी उस विषय में जो अज्ञान था वो निवृत्त हो जाता है। अज्ञान निवृत्ति ना हो तो क्या होगा? तो कह रहे इसका मतलब आपने प्रमाण का सही प्रयोग नहीं किया। यानी प्रमाण का लक्षण ठीक नहीं था, या प्रमाण अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष था। इस कारण से जैसे दोष भी गिनाए थे ना आपको, कहीं लक्षण में ही दोष रहा होगा, या कहीं संशय विपर्या अध्यवसाय समारोप हो गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी आपको सीधे सीधे प्रमाण का मैंने ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। तो साक्षात फल इसका यही है, प्रमाण अज्ञान की निवृत्ति, ये साक्षात फल कहलाता। अब परंपरा फल क्या है? तो इसका भी अपने न्याय शास्त्र में उल्लेख आया है। अज्ञान निवृत्ति तो है ही, हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। एक ही सूत्र में बताया है, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादानोपेक्षाश्च फलम, ये प्रमाण का फल है। तो अज्ञान की निवृत्ति तो साक्षात फल हो गया था, लेकिन हान, हान शब्द का अर्थ होता है त्याग। उपादान, उपादान का अर्थ होता है ग्रहण करना। जैसे हम लोग हे उपादेय बोलते हैं ना, तो हे वस्तु को तो छोड़ देते हैं और उपादेय वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं। और फिर एक है उपेक्षा, कि हम उनके प्रति कोई मतलब नहीं रखते, ना उसको ग्रहण करते हैं ना उसका त्याग करते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते। जब आपको किसी के बारे में सही सही ज्ञान हो जाए, मान लो आप किसी व्यक्ति के बारे में सम्यक ज्ञान हो गया, आप किसी मनुष्य के बारे में, तो आप ये तीन काम में से कोई काम करते हैं ना। मतलब कि कोई व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा कैसा है, और अचानक क्लियर हो गया कई अनुमान से प्रमाण से हमने जान लिया कि वो कैसा है, तो क्या करते हैं हम? ये निर्णय करते हैं, ये हे है, ये त्यागने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, या उपेक्षा करने योग्य है। तीन में से कुछ करते हैं। अगर हमारे लिए उपादेय है, ये हमारे काम का है, तो हम उसको ग्रहण कर लेते हैं कि हमको हानि नहीं पहुंचाएगा, और छोड़ने योग्य है, छोड़ने में फायदा है, तो उसको छोड़ देते हैं। और कुछ भी नहीं करना, उसका मतलब ही नहीं रखना, उपेक्षा, तो उपेक्षा भी प्रमाण का ही फल है कि हम कुछ ना रखें, ना उसको ग्रहण करें ना छोड़ें। और ये जो चीज है ना, ये जीवन की कला है, उपेक्षा करना। कई चीजों के बारे में अच्छे या बुरे कुछ का कोई डिसीजन देने की जरूरत नहीं, उसकी उपेक्षा कर दी। हमको स्वरूप पता चल गया, अब हमको कुछ मतलब नहीं है, हम उसकी उपेक्षा कर, ऐसा करते हैं। तो लोक में तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो हे होता है जिनको त्यागने योग्य होते हैं, दूसरे उपादेय होते हैं जिनको हम लोग ग्रहण करते हैं, और तीसरा उपेक्षणीय हो जाते हैं जो ना त्यागने योग्य हैं
न ग्रहण करने योग्य है, मात्र उपेक्षा करने योग्य। अब शास्त्रों में इसके उदाहरण दिए, आप नए नए उदाहरण खुद भी बना सकते हैं। जैसे सांप मिल गया जंगल में, तो वो क्या हे है भाई, उससे दूर भागो। और कहीं रत्न मिल गए तो कहते हैं ये उपादेय है, उसको हम लोग सोचते हैं इसको तो रख लेना चाहिए। और ऐसे घास फूस भी मिलती है तो वो क्या है, ना हे है ना उपादेय, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। ऐसे जंगल में कितनी घास फूस पड़ी रहती। तो इस दृष्टि से हम निर्णय करते हैं कि हमको क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है और किन चीजों की उपेक्षा करनी है। तो ये हमारा प्रमाण का फल कहलाता है। इस प्रमाण के फल के साथ भी एक चर्चा जुड़ी हुई है कि ये प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न होता है या अभिन्न होता है। प्रमाण का फल प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न है। तो आप इसको ऐसे भी समझिए, अपने न्याय शास्त्र में बहुत सारी समस्याओं का समाधान इनके ही माध्यम से किया गया, भिन्न अभिन्न करके। कोई भी चीज होती है, बताओ ये इससे भिन्न है या अभिन्न है, ये भिन्न है या अभिन्न है, ऐसे कह के कहेंगे। अगर भिन्न है तो ऐसा हो जाएगा, अभिन्न मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा करके उसको फंसा देंगे कि वो कुछ उत्तर ही नहीं दे सकता। तो यहां भी प्रश्न पूछ लिया कि जो आप प्रमाण है, प्रमाण के फल की बात कर रहे हो, तो ये भिन्न है या अभिन्न है। तो इसका भी स्यादवाद से ही उत्तर दिया जाता है कि प्रमाण का फल प्रमाण से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है, माने किसी अपेक्षा से भिन्न भी है और किसी अपेक्षा से अभिन्न भी है। जैसे एक मोटी मोटी अपेक्षा तो ये है कि अज्ञान निवृत्ति रूप जो प्रामाण्य है, प्रमाण है, वो तो अभिन्न है। अज्ञान की निवृत्ति हुई, ज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो ये चीज क्या हो गई, तो अभिन्न है ना आत्मा से, तो ये अभिन्न कहलाता। और हाँ, किसी चीज को ग्रहण करना है, किसी चीज को छोड़ना है, बाहर की चीज को, या उसकी उपेक्षा करनी है, तो वो वाला फल भिन्न हो जाता है प्रमाण से। लेकिन हम सर्वथा किसी भी प्रमाण के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये भिन्न है या अभिन्न है, क्योंकि हे उपादेय और उपेक्षा की बुद्धि होना, उसका निर्णय होना, ये अभिन्न भी होता है। पदार्थ जरूर भिन्न है उससे जिसकी हमको उपेक्षा करनी है या जिसको ग्रहण करना है या जिसको त्यागना है, छोड़ना है, कुछ भी करना है। इसलिए हम परंपरा से यानी प्रमाण के फल को कथनचित भिन्न भी कहते हैं और कथनचित अभिन्न भी कहते हैं। तो ये प्रमाण का लक्षण और प्रमाण का फल हमने दोनों को ही आज यहाँ पे समझ लिया है। इनकी बहुत सारी चर्चाएं, बहुत विस्तार से चर्चाएं हमारे आगम शास्त्रों में, जो न्याय के शास्त्र हैं, उनमें बहुत विस्तार से की गई हैं। जिनको विशेष पढ़ना हो वो उन ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो वो वहाँ उसको उसका अलग आनंद है पढ़ने का, उसको समझने का अलग आनंद है। तो वहाँ हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। आज हम उसको उसकी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और अब मैं एक चर्चा शुरू करता हूँ नई, इसमें प्रमाण के भेद की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमाण की चर्चा के बाद प्रमाण के भेद प्रभेद कितने होते हैं, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। कोई प्रमाण के कितने भेद होते हैं ऐसा कोई पूछे तो एक वाक्य में आप उनको उत्तर दीजिए कि जैन दर्शन प्रमाण के दो भेद मानता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। कई कई जगह अन्य अन्य दर्शनों में प्रमाण के अलग अलग भी भेद किए, कहीं प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसा नाम ले देते हैं कि ये दो भेद हैं प्रत्यक्ष और अनुमान, कहीं उससे भी ज्यादा संख्या है प्रमाण के भेदों की। लेकिन जैन दर्शन ने कहा कि नहीं साहब, प्रमाण के दो ही भेद हैं, एक प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब आप बताओ प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या फर्क, अभी हम प्रमाण की दृष्टि से पढ़ रहे हैं,
जैन दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है उसका अंतर्भाव भी इस प्रमाण मीमांसा में हो जाता है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए चलता हूं क्योंकि लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा है पहला अध्याय, तो उसमें ज्ञान मीमांसा पढ़ी है, तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि ऐसा क्यों है। जैसे यहाँ तत्वार सूत्र में मति श्रुता अवधि मना पर्याय केवलानी ज्ञानम, पांच प्रकार के सम्यक ज्ञान बतलाए हैं, मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, ऐसे पांच ज्ञान के सम्यक ज्ञान के भेद बोले हैं। फिर उसके बाद आगे एक सूत्र आता है आद्य परोक्षम, यानी शुरू के जो दो ज्ञान हैं वो परोक्ष ज्ञान है। वो कौन कौन से हैं? मति और श्रुत ज्ञान। और क्यों है? इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, माने वो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होते हैं। यानी ज्ञान मीमांसा में ये चीज ध्यान रखिए, जब ज्ञान की चर्चा अकेला करते हैं, प्रमाण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहां पर मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान के भेद हैं, क्योंकि इंद्रिय और मन के निमित्त से उनका ज्ञान होता है। वो अतींद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, अतींद्रिय ज्ञान नहीं है। तो जो किसी का सहारा ले रहा है उसको कह देते हैं परोक्ष, माने जो किसी के सहारे से ज्ञान हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो ज्ञान मीमांसा में परोक्ष कहने का एक अलग अभिप्राय है, लेकिन हम प्रमाण मीमांसा जब पढ़ते हैं तो उसमें ये पांचों ही ज्ञान प्रत्यक्ष में आ जाते, ये इतना अंतर समझ लेना। वो जो पांचों ज्ञान में जो दो भेद कर दिए थे ना, प्रत्यक्ष परोक्ष, अब यहां पे उन पांचों ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्रमाण में ही डाल दे, परोक्ष प्रमाण में नहीं रखा। कैसे? यहां पे क्या कर देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद कर दे, एक साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक। तो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में मति और श्रुत ज्ञान को रख देते हैं और पारमार्थिक प्रत्यक्ष में अवधि मनः पर्याय और केवल ज्ञान। ये थोड़ी सी विवक्षा शुरू में मैंने इसलिए बता दी कि अभी हम पढ़ाना शुरू करते तो फिर वही प्रश्न करते था भी, क्योंकि हमेशा पढ़ा है कि मति और श्रुत ज्ञान परोक्ष है, तो यहाँ पे क्यों इसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं, इसलिए मैं बता। तो ये एक तरह का दार्शनिक दृष्टि से आपको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बताता हूँ आज। मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये बात कहने के लिए भी, आप ये समझो न्याय शास्त्र की उपयोगिता में मुझे बात कहनी थी लेकिन मैं कुछ विस्मरण कर गया, लेकिन आज बता रहा हूं। न्याय शास्त्र का सबसे बड़ा योगदान है कि उसने जैन धर्म को जैन दर्शन बनाया है। ये बात समझ में आई आपको? अगर न्याय शास्त्र जैन परंपरा में नहीं होता तो जैन धर्म धर्म बन के रह जाता। जैसे आपको जानते, ईसाई एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, यहूदी एक धर्म है, तो वो धर्म के रूप में चलते हैं, माने वो कोई उनको बहुत ज्यादा दार्शनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। तो जैन धर्म तो था ही, लेकिन जैन धर्म को इस युग के अनुसार जैन दर्शन बनाने में, फिलॉसफी बनाने में न्याय शास्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। यदि न्याय शास्त्र ना होता तो जैन धर्म रह जाता, वो दर्शन नहीं बन, माने जगत के लिए वो फिलॉसफी के रूप में मान्य नहीं होता। ये हमारे न्याय शास्त्र के जो आचार्य हैं उन्होंने जो काम किया है उसका ये प्रतिफल है कि आज हम लोग जैन फिलॉसफी को समझ और पढ़ पा रहे। तो हमने प्रमाण के जो दो भेद किए हैं उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष का क्या लक्षण है? प्रत्यक्ष का लक्षण एक बहुत सरल, पूरे प्रमाण शास्त्र में सबसे सरल और प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण, माने प्रमाण का लक्षण भी एक प्रकार आपको कठिन लगेगा, प्रत्यक्ष विषदम प्रत्यक्षम, ये आपको संस्कृत में भी याद हो सकता है। विषद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। विषद शब्द का अर्थ है निर्मल, स्पष्ट, क्लियरली। तो जो विषद ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है।
और परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? अविशदम परोक्षम, बिल्कुल विशद को उल्टा कर दो, अ जोड़ दो, बस आप विशद के आगे अ जोड़ देंगे तो अविशदम परोक्षम। तो देखो प्रत्यक्ष परोक्ष की इतनी सरल परिभाषा, अब आप सुन के ही याद कर लो, आपको अलग से बैठ के याद नहीं करनी पड़ेगी। और अविशदम परोक्षम क्यों कहा? है वो भी प्रमाण लेकिन वो स्पष्ट नहीं। जैसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, आप हमें देख रहे हैं हम आपको देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं हम आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? अभी लौकिक दृष्टि से प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? आप मेरे सामने तो बैठे नहीं है, फिजिकली क्या आप मुझे सामने देख पा रहे हैं? जैसे हम लोग आपस में मिलते हैं तो क्या एक दूसरे को देखते सुनते हैं? वो नहीं हो रहा है ना, परोक्ष है। आप मैच टीवी पर देखते हैं, सारा ज्ञान सही होता है, स्कोर का भी ज्ञान सही हो रहा है, बल्कि ज्यादा क्लियर रहता है। आप वहां पे स्टेडियम में जाके मैच देखेंगे तो कई बार कई बातें समझ में नहीं आती, जो लोग सामने देखते हैं समझ रहे होंगे कि वहां भीड़ में कई बातें समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्लियर है। कमेंट्री भी सुन रहे हैं, चित्र भी देख रहे हैं, उसका रिपीटिशन भी देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो आनंद स्टेडियम में मैच देखने का आता है वो आनंद टीवी पर देखने का नहीं है। ये समझे आप बात? साक्षात जितनी विशदता होती है, जितनी स्पष्टता होती है, हम किसी को टीवी पे कितने ही देख लें, यूट्यूब पे कितने ही देख लें, लेकिन एक होता है यार उनसे मिले नहीं, कि रोज तो मिलते हो, कि नहीं उनसे एक बार मिलना है, मिलने का मतलब सामने से देखना है, तो वो जितना सामने देख के स्पष्टता होती है वो परोक्ष में हो ही नहीं सकती। लेकिन ज्ञान सही हो रहा है, आप अमेरिका जाकर के अमेरिका का ज्ञान करेंगे उसमें स्पष्टता ज्यादा होगी, लेकिन आप टीवी पे ही अमेरिका के बारे में देख लीजिए, किताबों में पढ़ लीजिए, उनके बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, इतना ज्ञान हो जाएगा, हो सकता है अमेरिकन्स को भी अपने देश के बारे में इतना ज्ञान ना हो, आप किताब से इंटरनेट से पढ़ के बहुत ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन जो वहां जाके ज्ञान होता है, देख के ज्ञान होता है, उतनी स्पष्टता तो नहीं हो पाई। तो स्पष्टता और निर्मलता के अर्थ में ही प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद होता है। उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होती है, इसलिए प्रमाण है। माने परोक्ष प्रमाण का अर्थ ये नहीं होता है कि उसमें कुछ ज्ञान में कमी है, बिल्कुल सही। जैसे मैंने पर्वत पे अग्नि वाली बात कही थी ना, आपने धुएं से जो पर्वत पे अग्नि का ज्ञान किया था, धुआं देख के जमीन पे, तो आपको ज्ञान तो सही हो गया था कि अग्नि है, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप खुद पर्वत पे चढ़ गए और सामने आग जलती देखी तो उसमें क्या हुआ? स्पष्टता आ गई। हुआ तो वहां भी अग्नि का ज्ञान, लेकिन एक ज्ञान परोक्ष था और एक ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया। तो यही प्रत्यक्ष और परोक्ष मुख्य दो भेद हैं। हमारे जैनाचार्यों ने प्रमाण के दो भेद स्वीकार किए हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। विशदता का भी एक विशेष अर्थ होता है, विशद ज्ञान उसको कहते हैं, जो अनुभव सिद्ध निर्मलता होती है, वो चीज हम परोक्ष में या अनुमान ज्ञान में उसको नहीं धारण कर पाते हैं। जो विशदता जितनी स्पष्टता अनुभव से आती है, प्रत्यक्ष करके अनुभव से, वो स्पष्टता हमको दूर से देख करके और माध्यम से जान करके सुन करके भी नहीं आती। आप इतना अंतर समझ लीजिए, जैसे मान लो दिल्ली के बारे में आपने बहुत सुना है, तो सुना है सबने बताया दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में अहिंसा स्थल है, उसका ऐसा वर्णन है वैसा वर्णन है, आपको वीडियो भी दिखा दिया, सब कर दिया, लेकिन आपको पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन जब तक आप खुद आके इसको नहीं देख लेंगे तब तक वो स्पष्टता नहीं आएगी। जो खुद अनुभव से आती है, वैसे ही जो श्रुत केवलियों का ज्ञान होता है, श्रुत केवली का और जो सीधे केवली होते हैं उनके ज्ञान में भी यही फर्क होता है। इसी तरह हर चीज में फर्क होता है, अगर उस उसमें उसके माध्यम की भिन्नता होती, तो स्पष्टता और निर्मलता
स्पष्टता विशदता ज्ञानावरणी कर्म के पूर्ण क्षय से या विशिष्ट क्षयोपशम से ही आती है, और वही निर्मलता कहलाती है, वही विशदता कहलाती है। इन सबको हम पर्यायवाची मान सकते हैं, विशदता, निर्मलता और स्पष्ट। तो अलग अलग दार्शनिक प्रत्यक्ष का भी अलग अलग लक्षण करते हैं। मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण बहुत सारे दार्शनिक मानते हैं, और लगभग सभी दार्शनिक मानते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण, लेकिन उनके प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में भी अलग अलग मान्यताएं हैं, और जैन दर्शन उन मान्यताओं को सुधार करके, उनमें कमियां दिखा करके, सही लक्षण निर्धारित करके हमको बतलाता है कि हम प्रत्यक्ष ज्ञान किसको कहते हैं। तो आज की चर्चा, चूंकि समय हो गया है, इसको यहीं विराम देते हैं। कल हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण के भेदों को पढ़ेंगे, और समय रहा तो हम लोग परोक्ष प्रमाण के भेदों की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। आज आपने सबने बहुत ध्यान से सुना, पढ़ा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।